Hello guys and welcome back to my channel. I am Surbhi, Indian girl in Europe. और ये जो वीडियो है ये फाइनल पार्ट है दी सीजन स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ का. ऑलरेडी 8 पार्ट्स जो हैं वो मैंने रिलीज़ कर लिए हैं. ये जो है वो लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने बजट में मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री घूमी. वैसे तो जो टिप्स वगैरह थी वो मैंने एट द टाइम ऑफ ब्लॉगिंग में आप लोगों को बताई दी थी, बट इस वीडियो में आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सबसे एक्सपेंसिव कंट्री में हमने 22K पर पर्सन कैसे घूम लिया इंडियन रुपीज़. हाँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है तो बजट में ट्रैवल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है गाइज, लेकिन ट्रस्ट मी हम जो देसीज़ हैं वो हर जगह अपनी जुगाड़ कर लेते हैं. इस पार्ट में मैं अपनी इटिनरी बताऊंगी और हम लोगों ने कैसे मैनेज किया बजट में वो बताऊंगी. और क्योंकि हम लोगों ने अपनी जर्नी जर्मनी से स्टार्ट करी थी तो ऑफ कोर्स हमारा जो एयर टिकट है या फिर फ्लाइट टिकट्स है वो कुछ भी नहीं लगा एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आया. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बताया है कि अगर आप इंडिया से स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फ़्लाइट टिकट्स कितने का पड़ेगा, एकोमोडेशन आप कहाँ से ले सकते हो, ट्रांसपोर्टेशंस के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो वो भी आप चेक कर लीजिए. बिकॉज़ हम लोग कोरोना टाइम पर गए थे तो हमने अपना सारा कुछ खाने पीने का सामान जो है वो पहले से ही पैक कर लिया था और ये बहुत स्मार्ट डिसीज़न था क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो पैसे हैं वो बहुत कम खर्च हुए थे. अपनी गाड़ी में सारा सामान रख लिया था. उसका एक रीज़न ये भी है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो बहुत एक्सपेंसिव है और इसी वजह से जो भी ग्रॉसरी का सामान है वो स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा महंगा है देन जर्मनी, तो इट्स बेटर कि जर्मनी में ही रख लें. तो भाई साहब जो स्विट्ज़रलैंड है वो सब बोलते हैं महंगा महंगा, हमने एक्सपीरियंस कर लिया. हम बताते हैं आपको हमने क्या क्या लिया और यही चीज़ जर्मनी में कितने की मिलती है. सुरभि, एक ये पानी की बोतल 1.10 फ्रैंक जो वहाँ कितने की मिलती है जर्मनी में, ये शायद सेम ही है. ये सेम है. ये कैपेचिनो कैफे लाते ये यहाँ पर है और वहाँ पर 0.5 के आसपास की है. ये यहाँ पर 2 यूरो का 2.5 का है, वहाँ पर ये शायद 1 का है. और सुपरमार्केट में तो 0.40 और सस्ता. ये यहाँ पर कितने की थी पुडिंग? पुडिंग है ये 2.60. ये तो मतलब थोड़ा और देखा. और मैंने वैलेंटाइंस और जैक डेनियल्स के वो देखी बॉटल्स. यहाँ पर वैलेंटाइंस की बॉटल यहाँ पर 27 फ्रैंक मतलब 25 यूरो के आसपास, जो जर्मनी में 13 यूरो 13 आधी. जैक डेनियल्स की थी 38 पॉइंट समथिंग जो वहाँ पर है 18 यूरो की आधी, अप्रोक्सीमेट 50%. तो सोच रहा डबल रेट यहाँ पर, स्पेशली ग्रिंडलवर्ल्ड में. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी कोई कंट्री से आ रहे हो जो स्विट्ज़रलैंड में से सस्ती है तो सारा सामान अपनी गाड़ी में वहाँ से रख लो, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल है. सुपर मार्केट्स के रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल है. स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक. तो यहाँ पर जो करेंसी है वो डिफरेंट है, तो हम लोगों को जो लोकल करेंसी है वो निकालनी थी. तो आप बहुत सारे ट्रैवल कार्ड यूज़ कर सकते हो. जैसे मेरे पास रिवायर है तो मैंने 50 फ्रैंक जो है वो निकाला है जिसमें मेरे कुछ 46 यूरो कटे हैं और मैंने डायरेक्टली ATM लोकल ATM है यहीं पर उससे निकाला हुआ है. तो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग टिप्स. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये ट्रांसफ़र का चक्कर नहीं करना पड़ेगा कि आप कहीं जा रहे हो फिर उनसे एक्सचेंज रेट ले रहे हो, डायरेक्टली ATM से निकाल सकते हो. तो गाइज़ मैंने हॉस्टल के पास से 50 स्विस फ्रैंक निकाले थे लोकल ATM से. आई डोंट नो कौन सा बैंक का ATM था बट वहीं पर पास में था तो वो मैंने निकाले और मेरे जो पैसे थे वो 46 यूरो कटे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, ऐसा लगा कि मैं जर्मनी से ही पैसे निकाल रही हूँ, क्योंकि जो रिवायर का मास्टर कार्ड डेबिट था वो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया टू विदड्रॉ मनी. कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने पड़े, सिर्फ जो कन्वर्जन चार्ज था वो पे करना पड़ा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे मिल गया. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि रिवायर जो है वो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, इवन अगर उसकी करेंसी जो है वो यूरो नहीं है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी रिवायर का मास्टर कार्ड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सही है, और अगर आप यूरोप में ही किसी कंट्री में रह रहे हो देन ऑल्सो इट्स वेरी यूजफुल। सो हम लोग जाने वाले थे इंटरलाकेन, और इंटरलाकेन में हम हॉस्टल में रुकने वाले थे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था फ्रॉम जर्मनी टू इंटरलाकेन, एंड देन उसके बाद हम जो अगले 3 दिन थे उसमें 8 सिटीज़ और टाउन्स और विलेजेस कवर करने वाले थे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। ये तो मतलब इट्स लाइक हेवन। तो हम लोगों ने पेट्रोल फिल करा लिया था, जो कि अराउंड हमारा आना जाना सब मिला के ऑलमोस्ट 100 यूरो के लगभग का पेट्रोल था। एंड देन उसके बाद हम लोगों का खर्चा, जो सबसे पहला ऑफिशियल खर्चा था वो था टॉल का, जो कि हम लोगों ने लिया था 40 स्विस फ्रैंक का। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और स्विट्ज़रलैंड में एंटर कर रहे हो फ्रॉम अदर कंट्री, तो सबसे पहला खर्चा इज़ दिस विच इज़ टॉल, जो कि दिसंबर तक वैलिड है। तो होपफुली शायद हम लोग नेक्स्ट टाइम भी जा सकें। क्योंकि हम दोनों मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो हम लोगों ने अपना जो ट्रिप था वो स्टार्ट किया था 12 बजे, हाँ, और हम लोग वहाँ पर पहुँचे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ज़्यूरिक में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे हॉस्टल में 7 बजे। लेकिन हम जैसे ही पहुँचे हमने अपना बस सामान रखा और हम निकल गए सिटी टूर इंटरलाकेन, और कुछ ही घंटों में हमने इंटरलाकेन जो है वो पैदल सारा घूम लिया। जबकि जो इंटरलाकेन है उसमें जितने भी हॉस्टल्स और होटल्स होते हैं उसमें जो बसेस पासेस हैं वो फ्री मिलते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अनलिमिटेड बसेस के लिए। पर हम लोगों ने तो पैदल ही सारी घूम ली, सिटी सेंटर देख लिया, लोकल रेस्टोरेंट्स देख लिए, आर्किटेक्चर्स देख लिए, बिल्डिंग देख लिए, पहाड़ देख लिए, मतलब जो भी आसपास की चीज़ें थी वो सारी देख ली। तो वेस्ट पूल तो नॉर्मल लग रहा है, इधर हो जाना, अब देखना उस तरफ। तो हमने हॉस्टल के पूरे मज़े लिए, खाना कुक करने से लेकर पार्टी अटेंड करने से लेकर वहाँ का जो भी स्टफ़ है वो यूज़ करने से लेकर सब कुछ। और नेक्स्ट डे हमें जाना था लाउटरब्रुनन, मुरेन, गिमलवाल्ड, बहुत सुंदर विलेजेस, जो कि बोलते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर विलेजेस में से एक है। तो हमें वहाँ जाना था, तो हम लोग वही सुबह उठे, सुबह हम लोगों ने चाय बनाई, वहाँ पर जो भी रेडी टू ईट मटेरियल हमने सुपरमार्केट से ख़रीदा था वो बेक किया, और हम लोग निकल गए वहाँ पर पिज़्ज़ा खा के, लाइक अपना पेट पूरा पूजा करके, और हम लोग निकल गए। हम लोगों ने जो उस पूरे दिन में जो पार्किंग प्राइस था वो 10 स्विस फ्रैंक पे किया। तो यहाँ पर जो पार्किंग प्राइजेस होता है स्विट्ज़रलैंड में वो 2 स्विस फ्रैंक से स्टार्ट होता है, पर आर के बेसिस पर होता है, डिपेंड ऑन कि कितने घंटे आप रख रहे हो वो बढ़ता रहता है। और हम लोगों ने लाउटरब्रुनन घूमने के बाद हम लोग गए थे केबल कार से टू म्यूरेन। तो हम लोगों का ये जो एक्सपीरियंस था ये भी बहुत अच्छा था, बिकॉज़ हम लोग जब नीचे थे तो बहुत गर्मी थी इस दिन, बिकॉज़ अगस्त में स्विट्ज़रलैंड या यूरोप में बहुत गर्मी होती है, 22 स्विस फ्रैंक का। और जब हम लोग गए थे गिमलवाल्ड, तो गिमलवाल्ड में जो थी वो थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैंने 1 पीस पहना हुआ था, और फिर मैंने जल्दी से शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन ली क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर हम लोग जब म्यूरेन पहुँचे 5 मिनट के बाद, गाइज इट वॉज रियली कोल्ड, तो हम लोगों ने सोचा कॉफ़ी ब्रेक लिया जाए। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर म्यूरेन में था कूप, वहाँ पर हमने फ्रूट्स ले लिए, लोकल क्रोसेंट खा लिया, कॉफ़ी पी ली ताकि हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाए, और हमने वहाँ पर ब्रेड और पुडिंग्स भी खाई। और वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ पर बारिश होने लगी थी और हमारे पास जो था छाता नहीं था, तो हम लोग जो स्टोर था उसके सामने ही बैठ गए और खाने लगे, और हमें देखा देखी दूसरे भी लोग बैठ गए। तो इट वाज अ रियल अमेजिंग फन। जो हमने सुपरमार्केट है उसमें लगभग 10 स्विस फ्रैंक दिए ये सब चीज़ लेने के लिए, कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर ही खाया। एंड वी हैव प्रिटी मैनेज बाय ईटिंग ऑल दोज स्टफ, हम लोग बिल्कुल सही थे ये सब चीज़ खा के, और कॉफ़ी पी के थोड़ी एनर्जी भी आ गई। फिर गाइज हम लोग जब घर पहुँचे तो ऑब्वियसली रात हो गई थी, 8 बज गए थे। फिर हम लोगों को कुछ चीज़ें और देखनी थी तो हम लोग ने फिर से इंटरलाकेन थोड़ा सा घूमा और फिर हमने रात में नाइट पार्टी अटेंड करी। और नाइट पार्टी में हम लोगों को बहुत प्रायोरिटी वाली फीलिंग आ रही थी बिकॉज वहाँ पर हमारे हॉस्टल में पार्टी हो रही थी और दूसरे लोग बाहर से आ रहे थे, एंट्री ले रहे थे। वैसे तो एंट्री फ्री होती है बट इट्स अ प्रायोरिटी फीलिंग। देन हम 3 बजे सोए और सुबह फिर से जल्दी उठना था तो मैं तो बहुत जल्दी उठ गई। चाय पी, पिज़्ज़ा खाया हमने और चेकआउट किया टू ग्रिंडलवाल्ड जाना था हमें। ग्रिंडलवाल्ड बहुत ब्यूटीफुल है और इस ग्रिंडलवाल्ड में सिम्बा की जो है वो शूटिंग भी हुई है। अगर आपने तेरे बिन सॉन्ग देखा है तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो गाइज हम जिस लोकेशन पे बैठे हुए हैं अभी वो जो तेरे बिन सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी सिम्बा, यहीं पर शूट करा गया है प्लस इंटरलाकेन में। एंड एक और कौन सी लोकेशन देखी अभी हमने? आइजलवाल्ड और ग्रिम्सल पास, नियर बाय प्लेसेस। तो नियर बाय कुछ प्लेसेस है बट यहाँ पर भी शूटिंग करी है। दैट्स अमेजिंग थिंग यार। और जहाँ हम लोग रह रहे हैं इंटरलाकेन में मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे क्रू के वो वहीं रहे थे। और दीपक बता रहा है कि यहाँ की ट्रेन्स में रणवीर सिंह के पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, हाँ टूरिज्म के लिए। और उसके फोटोज़ भी देखोगे ना आप रणवीर सिंह के तो उसने माई स्विट्ज़रलैंड करके लिखा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है इन सारी प्लेसेस के, यहाँ की प्लेसेस के प्लस फूड का। तो एक्चुअली यार मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो मूवी का जब मैंने सॉन्ग देखा था तो बहुत सुंदर आया था। तो अब मुझे लगा कि यार ये मैंने लोकेशंस देखी हैं कहीं पर, तो वाह। है क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत कम थी तो इसलिए मैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट नहीं गई थ्रू केबल कार, या हाँ थ्रू केबल कार, तो उसमें तो नहीं गई। पर आप लोग ज़रूर जाइएगा और मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको लेके जाऊंगी। फिर हमें निकलना था स्टार्ट, सानेन और कुछ DDLJ लोकेशन के लिए जो मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो ग्रिंडलवाल्ड सिटी टूर करने के बाद वहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद और सुंदर मतलब बहुत ही सुंदर था ग्रिंडलवाल्ड। बहुत महंगा है बट बहुत सुंदर है। फिर हम लोग निकल गए कार से टूवर्ड्स स्टार्ट। यहाँ पर भी हमने पार्किंग चार्जेस कुछ पे किए लाइक 3 Swiss franc बिकॉज हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थे और हम स्टार्ट निकल गए। और गाइज ये जो ड्राइव थी ये बहुत सुंदर ड्राइव थी क्योंकि इसमें हमने रियल स्विट्ज़रलैंड देखा, रियल स्विट्ज़रलैंड के लैंडस्केप देखे। स्टार्ट पहुँचने के बाद हम लोगों को 2 आवर्स का जो है वो पार्किंग टिकट लेना था, वो 3 Swiss franc का था। अगर 2 आवर के बाद आप और रुकते हो तो आपको फिर से टिकट लेना होता है बट 2 आवर इज़ इनफ स्टार्ट घूमने के लिए क्योंकि एक छोटा सा टाउन है। वहाँ हमने लंच भी किया और इतनी अमेजिंग बातें पता चली स्टार्ट के बारे में जो आप मेरे जो व्लॉग हैं वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मज़ेदार लोकेशन थी ये सब। फिर सानेन और जुशमेन और DDLJ के सारी यादें ताज़ा करने के बाद village, yeah. It's a village, yes. It's a very small village. And then if ever like from this street to that street, yeah. This is only that's the thing. Right. And this is so reputed, yeah. And people come here, like they can go eat food, they can हमने सोचा कि हम स्टार्ट में ही रुक जाते हैं आज के लिए, लेकिन गाइस मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। और नेक्स्ट डे भी बारिश थी तो अगर बारिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना वीडियोस ले सकते हैं ना घूम सकते हैं, तो हमने सोचा दिस इज़ बेटर कि इस बार हम लोग चले जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब मौसम अच्छा होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे प्राइजेस तो वी हैव मैनेज प्रिटी इनफ। हम दोनों का 44K अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो हम लोगों ने बहुत ईजिली मैनेज कर लिया। इस टाइम हमने पहली बार इस तरीके से मैनेज किया क्योंकि मुझे एक वीडियो सीरीज़ बजट ट्रिप की करनी थी, प्लस मैं देखना चाहती थी कि ऐसे मैनेज करते हैं कि नहीं। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो रेस्टोरेंट्स में करते थे, लाइक एक टाइम फूड हम लोग 50 यूरो का खाते थे। पर दिस टाइम हम लोगों ने बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेके बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर ली। वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट करना कि आप ये और कर सकते थे तो ज़्यादा बेटर करते, या आपको ऐसा लगा कि हाँ ये टिप जो है वो हमें ज़रूर काम आएगी स्विट्ज़रलैंड में, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और गाइस मैंने जो रिवायर अकाउंट है उसमें 600 यूरो जो थे वो ट्रांसफ़र करे थे ताकि मैं इस 600 यूरो में पूरा ट्रिप जो है वो कर सकूं, पर लकीली 600 यूरो पूरे खर्च नहीं हुए और मेरे रिवायर अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है वो बच गया था। अब वो जो अमाउंट है वो मैं लोकल फिर से अपने बैंक अकाउंट, जर्मन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड आऊँ तो शॉपिंग कर लूँ उससे, बिकॉज नाउ इट्स सेफ। सो फ्रॉम रिवायर आप आराम से लोकल ट्रांसफ़र फिर से कर सकते हो। और द बेस्ट थिंग इज़ आपको रिफ़रल बोनस मिलेगा, अगर आप किसी को भी रिफ़र करते हो तो 40 यूरो का रिफ़रल बोनस मिलेगा एज रिवार्ड, एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उसे फ्री ट्रांसफ़र लिंक मिलेगी। प्लस मैं भी आपको 2 फ्री ट्रांसफ़र लिंक्स दे रही हूँ जिसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। इन्जॉय द फ्री ट्रांसफ़र, इन्जॉय द रिवॉर्ड पॉइंट एंड इन्जॉय ट्रैवल लाइक दिस, एंड बाय बाय, टेक केयर।